महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम और अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने की चुनौती देने वाली शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले महाराष्ट्र में रविवार की देर रात तक हलचल देखी गई। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बंद कमरे में मुलाकात की। यह बैठक मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई। इस बैठक में बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल, विनोद तावड़े और गिरीश महाजन शामिल थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा देर रात किए गए ट्वीट में कहा गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज मुलाकात की और बेमौसम हुई बारिश से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मदद के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। इस मुद्दे पर मुख्य सचिव और वित्त सचिव के साथ और चर्चा की जाएगी। बताते चले कि आज मामले में शीर्ष अदालत में सुनवाई का दूसरा दिन है। कल कोर्ट ने केंद्र, महाराष्ट्र सरकार और सीएम देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी किया था। इससे पहले फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि शिवसेना ने दावा किया कि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन के पास 165 विधायकों का समर्थन है, वह आसानी से विधानसभा में बहुमत साबित कर देगी। वहीं दावा किया गया है कि फडणवीस के पास 170 विधायकों का समर्थन है। 288 सदस्य सदन में बहुमत के लिए 145 विधायकों की जरूरत है।